हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीआरपी फार्मासिस्ट के फॉर्म आपको किस तरह से भरने होंगे, डिक्लेरेशन किस तरह से लिखना होगा, और जो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो कौन से होने वाले हैं आपके लिए, तो ये पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इलेक्शन के बारे में कोई डाउट हो तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव भी हमने बताया है कि किस तरह से जो आपका एज होना चाहिए, एज इलेक्शन होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया है, तो वो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म आपको किस तरह से फिलअप करना होगा, एग्जामिनेशन सेंटर, ये सिर्फ दो पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिखता होगा पॉइंट नंबर थ्री भी, तो इस पूरे जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है तो इसमें सिर्फ यही मेंशन किया है कि अगर आप बिलोंगिंग करते हैं कास्ट ओबीसी से, एससी एसटी से, और अगर कोई स्पेशल ईयर ऐसे आप आते हैं जम्मू कश्मीर वगैरह, तो जो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं पीडीएफ के नीचे वाले पार्ट में, तो वहाँ पे बहुत सारे जो है अनिश्चित नंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो वो अनिश्चित नंबर आपको वहाँ से देखना होगा, वो फिलअप करना होगा और फॉर्म के साथ उसे भेजना होगा। अगर आप ओबीसी के लिए क्लेम करते हैं तो ओबीसी का डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर फिलअप करना होगा और फॉर्म के साथ भेजना होगा। तो इस फॉर्म में आपको सिर्फ यही देखने को मिलता है। तो डिस्कस करते हैं नीचे का पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखते होंगे पूरे 9 एग्जामिनेशन सेंटर आपको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर है न्यू दिल्ली, सेकंड है हैदराबाद, देन गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फपुर एंड पलिमपुरम। तो इस तरह से जो है आपको 9 सेंटर जो है वो देखने को मिलते हैं। इस 9 सेंटर पर जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फीस की, तो जो फीस होने वाली है टोटल कैटेगरी और नॉन कैटेगरी के लिए, तो वहाँ इसे देख सकते हैं। द मेल कैंडिडेट्स बिलोंग टू द अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी अप्लाइंग फॉर द रिक्रूटमेंट टू द अबो पोस्ट शुड डिपॉजिटेड 200 रुपीज़ फॉर ग्रुप बी एंड 100 रुपीज़ ओनली फॉर द ग्रुप सी। तो हमारी जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो बेसिकली ग्रुप सी में आती है, तो आपके लिए है 100 रुपीज़, ये ध्यान में रखिए। 100 रुपीज़ जो है फीस लगने वाली है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, और फार्मासिस्ट आता है ग्रुप सी में। पोस्ट एज एग्जामिनेशन फीस, कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट या एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एनी पे और एनी फीस। तो ध्यान में रखिए एससी एसटी के जो स्टूडेंट है और वुमन्स, उनके लिए जो है वो फीस नहीं लगने वाली है, तो वो विदाउट फीस जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक बार फिर बताता हूँ, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, ओबीसी कैंडिडेट्स, उनके लिए जो है वो फीस होने वाली है 100 रुपीज़। एससी एसटी एंड वुमेंस के लिए जो है वो कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। तो और जो फीस आपको पे आउट करनी है यहाँ से, कोई ऑनलाइन आपको पे आउट नहीं करना है या इंटरनेट बैंकिंग से आपको कोई नहीं पेमेंट करना है, तो भी जो आपको करनी है वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर से और बैंक ड्राफ्ट से ही करनी होगी। तो ये डिस्कस करते हैं इस पॉइंट में। फी मे बी सेंड थ्रू द इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट ओनली, एनी अदर मोड ऑफ द पेमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो जो पेमेंट यहाँ से आपको करना है वो पोस्टल ऑर्डर करनी है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है वो बैंक में जाके उसका ड्राफ्ट निकालना होगा। तो इस तरह से जो है वो दोनों टाइप से आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, एक तो पोस्टल ऑर्डर से करना है और दूसरा है जो बैंक ड्राफ्ट से करना है। देन कैंडिडेट्स हु हैव टू अप्लाई और पे एप्लीकेशन फी कैन पे थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीए भोपाल पेबल एट एसबीआई बैंगसिया। तो आपको जो है वो पोस्टल ऑर्डर जो किस एड्रेस पे जो है वो पे आउट आपको करना होगा, तो यहाँ पे दिखता होगा ये एड्रेस, इस एड्रेस पे जो है वो आपको उसका पे आउट देना होगा और ये एड्रेस आपको वहाँ पर मैंशन करना होगा जो आप पोस्टल ऑर्डर निकालने वाले हैं पोस्ट में और बैंक में। तो इस तरह से जो एड्रेस यहाँ पर जो दिखता है वो आपको मैंशन वहाँ पर करना होगा। तो नेक्स्ट कुछ देखते हैं, हाउ टू अप्लाई। द कैंडिडेट्स शुड रीड द इंस्ट्रक्शन इन द नोटिस केयरफुल बिफोर मेकिंग द एंट्री और सेलेक्टिंग द ऑप्शन। कैंडिडेट शुड सप्लाई ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्म एंड विल हैव द फेस देयर फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। ड्यू केयर शुड बी टेकन बाय द कैंडिडेट्स टू फिल अप देयर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली। इनकम्प्लीट डिफेक्टिव एप्लीकेशन शैल बी समली रिजेक्टेड। तो यही दिखाया है कि आपके जो फॉर्म आप फिलअप करने वाले हैं तो प्रॉपर फिल कीजिए, साइन हो या सिग्नेचर के रिगार्डिंग, फोटोग्राफ के रिगार्डिंग जो है वो पूरा आपको अच्छी तरह से फिलअप करके जो देना है। अगर आपके पास फॉर्म में कोई डिफेक्ट आता है, सिग्नेचर अच्छी तरह से पेश नहीं होगी, फोटोग्राफ्स वगैरह, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो वो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट यहाँ पर देखती होगी जो
एप्लीकेशन आप भेज रहे हैं, पोस्ट है, तो वो कब तक वहाँ पहुँचने चाहिए, तो यहाँ से ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट आपको दिखती होगी। तो जो ओपनिंग डेट होने वाली है 20 जुलाई 2020 से, और क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन 31 अगस्त 2020। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान में रखिए। तो नीचे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट आपको यहाँ पे दिखता होगा कि ये पॉइंट नंबर ये इसमें यही दिया है कि आप जो पॉकेट भेजने वाले हैं उसमें पूरे आपके डॉक्यूमेंट और आपका जो फॉर्म उसमें आप फ़ोटो आपका पेस्ट करने वाले हैं। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली वाइट होना चाहिए, और उसके साथ दो लेटेस्ट पासपोर्ट आपको भेजने हैं, और जो डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं वो नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो आप पॉकेट डॉक्यूमेंट का भेजने वाले हैं तो उसके ऊपर आपको ये लिखना होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। और आप जो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ब्रैकेट के नीचे और ब्रैकेट में वही भी उसका पोस्ट का नाम जो है आप मेंशन कीजिए, तो वो थोड़ा सा डिटेल में उनके समझ में आ जाएगा कि इस एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली इस पोस्ट के लिए जो है वो स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया। तो वो आप कर सकते हैं, आपको आगे लिखना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, और नीचे ब्रैकेट में लिखना है अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फार्मासिस्ट लिखिए, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टाफ नर्स वगैरह जो है वो लिख सकते हैं। और जो एड्रेस यहाँ पर आपको दिखता होगा तो इस एड्रेस पर जो है आपको वो जो है वो डॉक्यूमेंट भेजने होंगे। तो एड्रेस एक बार फिर आपको रिवाइज़ करता हूँ, एड्रेस है DIGP ग्रुप सेंटर CRP भोपाल विलेज बंगरासिया तालुका हुजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP, और उसका पिन कोड। द कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन द पोस्ट फॉर विच ही सी अप्लाइड फॉर द पोस्ट फॉर द एप्लीकेशन फी। तो यही जो अभी मैंने बताया यही नीचे दिया है कि आगे जो पूरी हेडिंग होने वाली है आपकी ये होने वाली है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, और नीचे आपका जो स्पेसिफिक पोस्ट है वो मेंशन कर दीजिए, और इस एड्रेस पे आपको जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट भेजना है। तो फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके कब तक जो है आपको फॉर्म भेजना है और कब तक फॉर्म उनके ऑफिस में जाना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे दिया है तो वो डिस्कस करेंगे। तो लास्ट डेट फॉर द रिसिपिएंट ऑफ द एप्लीकेशन, आपका फॉर्म कब तक रिसीव होना चाहिए, तो यहाँ पे डेट आपको दिखते होंगे 31 अगस्त 2020 विल बी द लास्ट डेट टू रिसीव द एप्लीकेशन। इस डेट तक जो है आपका पूरा जो आप भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑर्डर से तो वो उनके हाथ में जाना चाहिए इस डेट तक 31 अगस्त 2020। उसके बाद जो एप्लीकेशन रिसीव हो जाएंगे वो पूरे रिजेक्ट में जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको नहीं मिलेगा, वही आपको इस पूरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। जो एड्रेस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस एड्रेस पर जो है आपको आपका जो ऑर्डर है वो भेजना है। देन कुछ ऐसे एरियाज़ है तो उनके लिए कुछ एक्सटेंशन मिलता है, जो फॉर्म रिसीव होने की जो डेट दिए हैं यहाँ पे 31 अगस्त जो कट ऑफ डेट है, तो कुछ ये इतने सारे जो एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, तो वो डिस्कस करेंगे। द रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड ओनली बाय द पोस्ट और स्पीड पोस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट्स रेसिडिंग इन आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पंगी सब डिवीजन ऑफ द चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप एंड अब्रॉड। द लास्ट डेट ऑफ द रिसिपिएंट एप्लीकेशन इज बी 4/9/2020। तो इस डेट तक जो है वो रिलैक्सेशन बोल सकते हैं, एक्सटेंशन बोल सकते हैं, वो मिल रहा है किन के लिए, तो अभी जो मैंने इतने सारे जो रिस्पेक्टिव एरियाज़ मैंने अभी आपको डिस्कस किए तो इन एरिया के लिए और उनके स्टूडेंट के लिए जो डेट का एक्सटेंशन है वो इस डेट तक तो जो है वो मिलने वाला है। तो उनके फॉर्म अगर इस डेट के बाद भी पहुंचते हैं 31 अगस्त 2020 तो वो भी वो रिजेक्ट होने वाले नहीं हैं, किन के लिए है, सिर्फ यही रिस्पेक्टिव एरियाज़ के स्टूडेंट के लिए है, और उनके लिए जो डेट होने वाली है तो इस डेट तक जो है वो फॉर्म उनके पहुँचने चाहिए, रिसीव होने चाहिए, और अगर उसके बाद होते हैं तो उनके लिए भी वो रिजेक्शन में चले जाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि रिजेक्शन और उनके जो फॉर्म की प्रोसेस हो किस तरह से जो होने वाली है, जो सब कॉमन बच्चे हैं उनके लिए 31 अगस्त 2020 और स्पेशल एरिया के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इस डेट पे जो है वो फॉर्म रिसीव होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, देन लास्ट डेट फॉर द रिसिपिएंट ऑफ द एप्लीकेशन वही अभी हमने डिस्कस किया, वही इसमें आपको देखने को मिलता है 31 अगस्त 2020 सभी बच्चे के लिए, और स्पेशल कुछ रीजन के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये डेट तक जो है वो फॉर्म जो है वो रिसीव होने चाहिए, यही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है फॉर्म
जी आपको पीडीएफ में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये फॉर्म की आपको जो है वो प्रिंट निकालनी है और खुद अपने हाथों से जो है वो पूरा आपको फिल करना है। तो ये सेक्शन यहाँ पे जो है फोटो का आपको दिखता होगा, पेस्ट द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो ये इस जो है वो कॉलम में आपको आपका फोटोग्राफ जो है कलर फोटोग्राफ पेस्ट करना है। अगर फोटो का बैकग्राउंड वाइट हो तो अच्छा होगा, आप वाइट में ही जो है फोटो पूरा वो निकलिए और यहाँ पे जो है पेस्ट कर दीजिए कलर फोटोग्राफ जिसका बैकग्राउंड होगा वाइट। तो आगे डिस्कस करते हैं जो पोस्ट के लिए जो आप अप्लाई आप करने वाले हैं उसका नाम यहाँ पे आप जो है वो लिखने वाले हैं। तो जो है हमारी पोस्ट फार्मासिस्ट जो स्पेसिफिक वहाँ पे मेंशन की है पीडीएफ में वही उसका नाम डालिए, कुछ असिस्टेंट वगैरह मेंशन कर दिया है तो वो डाल के फार्मासिस्ट जो है वो पूरा जैसे मेंशन किया है पीडीएफ में वो वहाँ पे आप डालने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस जो 9 एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें का आपके जो है वो नज़दीक कौन सा है, आपके स्टेट में कौन सा है वो देख के आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो 2 एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस आपको दी है, जो आपके नज़दीक होगा वो आप यहाँ पे फर्स्ट डालिए और सेकंड उसके बाद जो है वो सेकंड डालिए। देन नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका जो पूरा नेम है वो SSC हो या HSC हो उसके सर्टिफिकेट जो होगा इसी तरह से मेंशन कर दीजिए और कैपिटल जो है लेटर में पूरा आप वहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल लेटर में। देन नीचे आएगा फादर का नेम, देन मदर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर, आपका मोबाइल नंबर जो अभी चालू है वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिए। देन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC और AWS उस कैटेगरी का जो है वो जिक्र यहाँ पे करना है। देन नीचे है रीजन, देन द वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और यस और नो, अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा यस और नो। देन अगर आप एम्प्लॉय हो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा नेम ऑफ द एम्प्लॉय, आपका पूरा नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, एम्प्लॉयर किस डिपार्टमेंट में थे वो स्पेसिफिक यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। देन मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो सिंगल हो वो मेंशन कर दीजिए। देन नेशनलिटी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। देन नीचे देखते हैं, देन स्टेट और डोमासाइल उसका आप यहाँ पे जिक्र करना होगा, आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और रीजन ऑफ क्लेमिंग एक्सटेंशन, अगर आप आपने यहाँ पे अपना जो है वो स्टेट और डोमासाइल यहाँ पे अगर मेंशन करते हैं और आप रिलैक्सेशन का कुछ एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, अगर आप जो स्पेसिफाइड एरिया जो एक्सटेंशन में आते हैं तो उनमें अगर आप है तो यहाँ पे आप जो है वो फिलअप कर सकते हैं कि कौन से एरिया में आप रहते हैं उसका कोई एक्सटेंशन चाहिए तो उस एरिया का नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं। देन सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिजिकल में कैटेगरी में होने वाला है तो हाइट इन सेंटीमीटर, तो इसमें आपको वो आपकी हाइट मेंशन करनी है। चेस्ट नॉट अप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, जेन चेस्ट के डायमेंशन जो फीमेल के लिए अप्लाई यहाँ पर नहीं है, एक्सपैंड करके और अनएक्सपैंड करके जो है वो चेस्ट के जो डायमेंशन है आपको मेंशन यहाँ पे करने होंगे। वेदर सिकिंग द हाइट रिलैक्सेशन, अगर आप हाइट में कुछ रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं और जो वो जब भी रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है वो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए है और कुछ एरिया के लिए है, वो आपको पीडीएफ में पूरा भी देखना होगा कि रिलैक्सेशन जो है वो किन के लिए है, तो वही सिर्फ जो है वो रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा यस और नो में इस स्पेसिफिक फिजिकल पैरामीटर के लिए रिलैक्सेशन ले रहा हूँ, अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और ले रहा हूँ तो यस कीजिए, नहीं ले रहा हूँ तो नो कीजिए। वेदर द सिकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर अब एज का रिलैक्सेशन लेने वाले हैं तो वहाँ पे आप मेंशन करते हैं यस और नो। देन आगे जानते हैं एज अ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ पर्सन किल्ड इन राइट्स ऑफ 1984, अगर 1984 की कुछ दंगल हुई हुई थी तो अगर उसमें आपका कोई फैमिली मेम्बर अफेक्टेड हुआ हो तो वहाँ पे आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। देन डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ पर्सन किल्ड इन राइट्स ऑफ 2020 गुजरात में जो दंगल हुई थी 2002 में तो उसमें अगर कोई अफेक्टेड हुआ तो उसके डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पर्सन ओरिजिनली डोमासाइल इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग दिस रिस्पेक्टिव डेट, अगर आप जम्मू कश्मीर में कुछ डोमासाइल का आपके पास है, आप पर्सन बिलोंगिंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से तो इसकी डिटेल यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। देन अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यस कर दीजिए, नहीं हो तो यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो उसकी फिर डिटेल में इंफॉर्मेशन नीचे दी है, आपने कब ज्वाइन किया, कब डिस्चार्ज किया और कब तक जो है आपने सर्विस की है उसकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आप वहाँ पे दे सकते हैं अगर आप है एक सर्विसमैन तो, नहीं है तो नो कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जिसे एक्सेशन देखने को मिलता है वो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और वो स्टार्ट होता है बेसिक 10th एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। अगर आप
आपका 10th कंप्लीट होने के बाद आप जो कुछ सर्टिफिकेट मिला है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर दे सकते हैं। आप तो देखता होगा कि यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग है, आपकी 10th कब कंप्लीट हुई, कौन से स्कूल में हुई, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट। तो SSC का सर्टिफिकेट होगा उस पर जो नंबर होगा वो वहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। वही सेम 12th का दिया है, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल का नेम, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम और उसका सर्टिफिकेट नंबर। ग्रेजुएशन आपका BFARM हुआ होगा तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपकी डिग्री, पासिंग ईयर, कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम और उसका जो सर्टिफिकेट है उस पर सर्टिफिकेट का नंबर होगा वो दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन ये है MPharm के लिए और वही चीज़ें जो है इस तरह से आपको पूरी मेंशन करनी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन मीन्स आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन हुआ है तो वही आप दे सकते हैं। डिप्लोमा हुआ तो डिप्लोमा दीजिए, BFARM हो तो BFARM, MPharm हो तो MPharm। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो इसके रिगार्डिंग, जो आपने अभी कोर्स कंप्लीट किया है उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस हो तो वो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और उसका क्या एक्सपीरियंस है, अगर आप फार्मा में एक्सपीरियंस है आपके पास प्रोडक्शन में का तो आप दे सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफिसर हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफिसर इन स्पेसिफाइड इंडस्ट्री, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। देन पोस्टल एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस, तो आप जो अभी पोस्टल ऑर्डर भेज रहे हैं इस रिस्पेक्टिव एड्रेस से तो आप जिस अपने परमानेंट एड्रेस से भेज रहे हैं तो वही से आप जो है वो पोस्टल ऑर्डर भेज दीजिए, आपके परमानेंट ऑर्डर से यूज़ करिए। तो नीचे आप वही देखने को मिलता है परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस, जो आपकी जो पूरी प्रोसेस होने वाली है एडमिट कार्ड का जो आपको आने वाला है तो वही बेसिकली पोस्टल ऑर्डर से आता है, तो परमानेंट एड्रेस का ही आप यूज़ कर दीजिए। तो वो आप यहाँ पे दोनों कॉलम में वही सेम दीजिए। आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ देना होता है तो वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी देना हुआ तो कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है। एंड वेदर द कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल और सिविल केसेस, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो आप यस और नो यहाँ पे सर कर सकते हैं, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। वेदर द एनी FIR, अगर आपकी कोई FIR हुई होगी तो ये इसका कुछ डिटेल यहाँ पे देना होता है, यस और नो। वेदर द अरेस्टेड इन पुलिस, अगर आपको पुलिस ने कभी अरेस्टेड किया है तो उसकी डिटेल है। देन वेदर द एनी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग इन एनी कोर्ट और एनी लॉ, अगर आपके आपके बारे में कोई क्रिमिनल केस चल रही है तो उसका कुछ यहाँ पे जिक्र आपको देखने को मिलता है। डिटेल ऑफ द फी पे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फी पेड, आप जो पोस्ट फी करने वाले हैं और उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देने होते हैं। तो अगर आप जो प्रोसेस करने वाले फ़ी की तो वो पोस्टल ऑर्डर से करने हैं और ड्राफ्ट करने वाले तो उसकी डिटेल जो है उसका नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है तो वो आप यहाँ से मेंशन कर दिए। जैन आप जो चलन करने वाले हैं पोस्ट से और ड्राफ्ट जो बैंक से ड्राफ्ट जो करने वाले हैं तो वो किस डेट पर आपने किया है तो वो उसकी डेट यहाँ पर मेंशन आएगी। और अमाउंट, अगर आप OBC के हो तो स्पेसिफाइड जो है वो फ़ीस आपको अप्लाई होगी वो अमाउंट। SC ST वोमन के लिए जो है वो कोई फीस नहीं लगने वाली, तो ये होगा उनके लिए MT। और नीचे कुछ डिक्लेरेशन दिया है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, ये कुछ डिक्लेरेशन है तो वो ऑलरेडी प्रिंटेड है और नीचे जो जाना है आपको वो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो सबसे ध्यान में रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको सिग्नेचर है, सिग्नेचर मिस आउट हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट में जा सकता है। अनसाइंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, अगर गलती से भी अगर आप यहाँ पे साइन मिस आउट करते हैं तो डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट में चला जाएगा। तो ध्यान से फॉर्म भरिए पूरा डिटेल में, और अभी जो मैंने जिन्हें पूरी डिटेल बताई है तो वो ध्यान में रखिए, पूरी डिटेल भर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो ध्यान में रखिए, ये जो पॉइंट हमने अभी बताया कि फोटो के रिगार्डिंग, फॉर्म के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो या साइन हो तो वो पूरी अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो इस तरह से जो है आपको पूरा फॉर्म अपने हाथों से लिखना है, साइन करना है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट जो आपके इसके साथ भेजने होते हैं, तो PDF मैंने थरीली देखा तो उसमें मुझे कुछ ऐसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट दिखे नहीं कि ये डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ भेजने हैं, ऐसे कुछ पॉइंट का जिक्र यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो हम जो है वो डॉक्यूमेंट 10th के रिगार्डिंग, 12th के रिगार्डिंग, अगर ग्रेजुएशन हुआ हो तो उसके रिगार्डिंग, या अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो उसके रिगार्डिंग पूरा जो है वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं सेल पार्टनरशिप करके, तो वो डिस्कस करेंगे। तो 10th का यहाँ पे जिक्र किया है तो 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट या उसका जो मार्कशीट है तो वो, देन 12th का मार्कशीट, देन अगर आपका डिप्लोमा होगा तो उसका मार्कशीट, BFARM हुआ तो उसका मार्कशीट, अगर MPharm हुआ हो तो उसकी मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट, देन पासिंग सर्टिफिकेट, देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, आपका जो सर्टिफिकेट हो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का वो, उसकी जेरोक्स कॉपी अटेस्टेड करके। और अगर ये हुए पूरे एजुकेशन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ, 10वीं का SSC का सर्टिफिकेट मार्कशीट, देन 12th का मार्कशीट, BFARM हुआ तो BFARM का, DFARM हुआ तो DFARM का, अगर MPharm हुआ तो MPharm का मार्कशीट, देन पासिंग सर्टिफिकेट वो देना होगा,
देन डिग्री सर्टिफिकेट वो देना होगा, देन फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट वो आपको देना होगा। उसकी एक बार एक्सपायरी डेट चेक कर दीजिए, रिन्यूअल को आया है या नहीं, वो दे सकते हैं और देना ही होगा। उसके नहीं दिया हो तो वो फॉर्म रिजेक्ट में जा सकता है। तो वो सर्टिफिकेट, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट हो गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इतने सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा पोस्ट के रिगार्डिंग, फार्मासिस्ट का कोई अगर आपने जॉब की हो तो उसके रिगार्डिंग हो, या कहीं इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो सर्टिफिकेट, उसकी जेरोक्स कॉपी अटैच करके वो भी दे सकते हैं। ये हो गए पूरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट। देन लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप। ये लिविंग सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ का जिक्र होता है, तो ये इम्पोर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट साबित होता है, तो वो भी दे सकते हैं। उसकी जेरॉक्स कॉपी निकल के वो भी आपको देनी होगी। देन कास्ट के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करते हैं जो डॉक्यूमेंट। तो अगर आप SC ST के स्टूडेंट हो तो आप उसकी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए होते हैं, तो वो दे सकते हैं। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो OBC का सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है, वो स्टेट से अलग होता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको देना होता है सेल्फ अटेस्टेड करके। और नेशनलिटी का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो वो भी आपको उसके साथ देना होगा। तो इतने सारे जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपको उसके साथ जो है वो देने हैं। और लास्ट में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक प्लेट में कोई क्लैरिटी देखने को नहीं मिलती है तो कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, तो ये मन में बहुत सारे जो है वो आपके डाउट आ जाएंगे। तो एक बार आप ये कर सकते हैं, अभी आपके साथ जो अभी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है, आपने अभी तक जितने भी कोर्सेज किए हैं, डिग्री, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो उसकी सभी की एक आप क्या कीजिए कि जेरोक्स कॉपी कर दीजिए, उसे सेल्फ अटेस्टेड अपने हाथों से कर दीजिए, डेट और अपनी साइन डाल के। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके जितने भी होंगे उसकी भी वैसे ही कर सकते हैं, उसका सेट कर सकते हैं। देन कास्ट सर्टिफिकेट के कोई सर्टिफिकेट होगी कास्ट के, रिजर्व के, अगर आप कोई डिपार्टमेंट से स्पेशल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट, और एक सर्विसमैन हो उसका सर्टिफिकेट। तो जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास होगी एजुकेशन के रिगार्डिंग, एज रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, या अदर कोई सर्टिफिकेट होगा तो उसकी जेरॉक्स करके आप सेल्फ अटेस्टेड करके उसके साथ दे सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा भी सर्टिफिकेट आपका जाता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई भी सर्टिफिकेट गलती से भी मिस आउट होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जितने ही डॉक्यूमेंट आपके साथ अभी है उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करके जो है उसकी आपके फॉर्म के साथ भेजनी होगी, और आप भेज सकते हैं, तो आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्शन में नहीं जाएगा। कुछ नीचे की इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखता होगा डिक्लेरेशन, इसकी भी आपको जो है पूरी प्रिंट निकालनी है। और यहाँ पे जो आपको EMT कॉलम देखते होगे, ये पूरे फिलअप करने हैं, आपका नेम, आपका एज, देन रेसिडेंस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और नीचे सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सिग्नेचर। तो सिग्नेचर करके जो है आपको वो पूरा डिक्लेरेशन देना है, आपका नाम उसमें, पूरा एज वगैरह, स्टेट वगैरह, ये पूरे जो है वो EMT कॉलम पूरे भर के अच्छी तरह से आपको जो है वो सिग्नेचर करके फॉर्म के साथ भेजना है। आगे जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन। तो ये जो अभी मैं आपको डिक्लेरेशन दिखा रहा हूँ और आनेचर नंबर दिखा रहा हूँ, तो वो स्पेसिफाइड कैटेगरी के लिए है। कुछ बच्चे OBC के लिए राशन लेने वाले हैं तो OBC के लिए डिक्लेरेशन सेपरेट होगा, SC ST के लिए सेपरेट होगा। अगर कोई बंदा एक सर्विसमैन होगा, उसके फादर वगैरह, तो वो उसके लिए एनेक्सर जो है वो डिफरेंट होगा। तो कुछ तरह से इस तरह से जो है एनेक्सर डिफरेंट सबके लिए डिफरेंट होने वाले हैं। तो ये यहाँ से डिक्लेरेशन है कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द नॉन क्रिमिनल लेयर स्टेटस। जो नॉन क्रिमिनल लेयर का लेने चाहते रिलेक्शन OBC के, तो उनके लिए ये डिक्लेरेशन होगा। दे नीचे के कुछ डिक्लेरेशन यहाँ से देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट फॉर सर्विस डिफेंस पर्सन, सर्विस डिफेंस पर्सन के लिए ये एनेक्सर नंबर A1 है। इस तरह से जो है वो आपको एनेक्सर नंबर, डिफरेंट टाइप के एनेक्सर नंबर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर आप स्पेसिफाइड उस कैटेगरी से या उस स्टाफ से, डिपार्टमेंट के स्टाफ से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप वो स्पेसिफाइड ही एनेक्सर वहाँ पे फिलअप करके भेज दीजिए, तो वही आपके लिए बेनिफिशियल है। ऑर्डर के कुछ जो है वो आपके काम के नहीं है, तो ये ध्यान में रखिए। आप बिलोंग करते हो OBC से तो OBC का ही डिक्लेरेशन देके आपको उसके साथ जो है वो भेजना है। तो इस तरह से जो है हमने एग्ज़ाम सेंटर से लेकर फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस, फॉर्म किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से डिक्लेरेशन देना है, कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ देने हैं, ये पूरा डिटेल थरीली जो है आपके साथ डिस्कस किया है। ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी ही यूज़फुल लगती है तो आपके सभी फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट हो तो हमें डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका जो रिप्लाई है मैं डेफिनेटली में दे दूंगा। नहीं तो इसके अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें थरीली डिस्कस करेंगे कि आपके इशू है, उस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसमें आप जो इशू है वो पूरे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल जो है वो फॉर्म की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, तो कल उस पर सेपरेट वीडियो आने वाला है, वो आप ज़रूर देखिए।
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।